सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं एक फिर से वॉच के बारे में टोटली कंप्लीट यहाँ पे कॉम्पेयर देने वाला हूँ, जो कि एक ही प्रोडक्ट है, डीजो वॉच डी। एंड इसी के अपग्रेडेड वर्जन से जो जुलाई में आने वाली है, डीजो वॉच डी शार्प। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से कौन सा लेना बेटर है? जैसे कि अभी बहुत सारे सेल्स ऑफर्स आने वाले हैं, अमेजन पे भी प्राइम डे सेल्स चलने वाले हैं, तो इनमें से दोनों में से कौन सा लेना बेटर होगा? एंड एक वॉच डी एंड वॉच डी शार्प में क्या एक्चुअली शार्पनेस कुछ आई है, वो सारी चीज जो है हम इस वीडियो में कंप्लीटली जानने वाले हैं। दोनों के ऊपर सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, उनको भी आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे मैंने सारे फीचर्स को रिवील्स किया है काफी डिटेल्स के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ डीजो वॉच डी की, जिसकी सेल 7 जून को हुई थी। एंड वहां पे जो एक स्पेशल प्राइस थी 1,999 रुपए। जी हाँ, इस प्राइस रेंज में आपको ये डीजो वॉच डी मिल जा रही थी। वहीं पे डीजो वॉच डी शार्प्स की बात करूं तो ये 29 जुलाई को इसकी सेल होने वाली है। एंड यहाँ भी एक स्पेशल प्राइस 2,999 रुपए रखी गई है। जी हाँ, सीधे है यहाँ पे आपका 1,000 रुपए का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए, प्राइस यहाँ पे बढ़ी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको फीचर्स भी ज्यादा ही मिलेंगे। तो अब जानते हैं इसके एक एक फीचर्स को कंप्लीट डिटेल्स के साथ। डिस्प्ले के मामले में बात करूं तो डीजो वॉच डी में 1.8 इंच की आपको एक लार्ज डिस्प्ले मिलती थी, तो डीजो वॉच डी शार्प में आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिस्प्ले जो है 1.7 इंच की मिल रही है। बट हाँ, एक हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, 86% की शार्पनेस इंक्रीज हुई है, जहां पे विजिबिलिटी एंड क्लैरिटी जो है काफी अच्छी खासी इसमें आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इवन जो है आपका परफॉर्मेंस जो रहेगा वो काफी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। डीजो वॉच डी एक प्रीमियम मेटल डिजाइन के साथ आ रही थी, सिलिकॉन स्ट्रैप्स के साथ में। तो यहीं पे आपको एक डीजो वॉच डी शार्प में जो है हाइब्रिड मटेरियल यूज हुई है। एंड स्ट्रैप्स ऑब्वियसली आपको फिर से वही सिलिकॉन बेस्ड मिल रही है, जो कि एक अच्छा खासा जो है कंफर्ट वाली फील्स होगी जब आप इसको यूज करेंगे। दोनों में सेम वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस, 5 ATM की वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस मिल जा रही है, जो कि आप 50 मीटर डेप्थ तक जो है इसको यूजली यूज कर पाएंगे। तो जहां पे अगर आप स्विमिंग एक्सेट्रा कर रहे हैं, इवन जो है शॉवर के ड्यूरिंग जो है अगर आप नहाते वक्त इसको यूज करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बेफिक्र होकर आप इनको यूज कर पाएंगे। बात करूं बैटरी बैकअप्स, तो दोनों में जो है सेम टाइप की आपको बैटरी बैकअप्स मिलने वाली है। 14 डे की कंपनी का जैसा क्लेम है, 14 डेज तक की आपको बैटरी बैकअप मिल जाती है, जिसको तकरीबन चार्ज करने में 2 घंटे का समय जो है लग सकता है। बट हाँ, ये डिपेंड करती है आपके यूज के ऊपर कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। अगर टिपिकली यूज देखा जाए तो आपको इस तरह का कंपनी का जो है क्लेम है, बट यहाँ पे आप नॉर्मल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, 10 से 12 दिनों का जो है आपको बैटरी बैकअप इजिली मिल जाएगा। बात करूं वॉच स्पेसेस की, तो देखिए दोनों में जो है आपको 150+ वॉच फेसेस मिल जाते हैं, जो कि स्टाइलिश वॉच फेसेस हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स, फर्मवेयर के वर्जंस में, एप्स के अपडेशंस के थ्रू आप इसमें जो है चेंजेस ला सकेंगे। न्यूली कैटेगरीज वाइज जो अपडेट्स आते हैं उनको भी आप इसको ऐड कर पाएंगे डीजो के एप्स के थ्रू। बात करो यहां स्पोर्ट्स मोड्स की, तो दोनों में जो है आपको 110 अगेन प्लस यहां पे स्पोर्ट्स मोड्स मिल जा रहे हैं, जिनको आप अपने डेली टू डेली एक्टिविटी लाइफ में भी यूज कर पाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे आपको जो है दोनों में डेडिकेटेड सेंसर, स्पोर्टू HR, स्लिप लेवल, स्ट्रिप, कैलोरी बर्न एक्सेट्रा, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल फॉर वुमेन्स के लिए ऑप्शंस मिल जाती है। एंड डीजो वॉच डी शार्प्स में जो है एक्चुअली देखा जाए तो इसके डिस्प्ले के ऊपर जो है प्रॉपरली वर्क किया गया है, सो इसलिए जो इसकी प्राइस भी थोड़ी हाई की गई है। एंड इसमें से एडिशनल कुछ फीचर्स जो है काफी अच्छे से ऐड किया गया है, जो इसके एप्स के इंटरफेस के थ्रू, AI के थ्रू जो है इसको अच्छे से और भी यूटिलाइज कर पाएंगे। लाइक कि आप अपने जो है मैप ट्रैकिंग के थ्रू जो भी इसके लोकेशन वाइज है, कितने आपने रनिंग किया एक्सेट्रा, इवन जो है आप इसमें रिपोर्ट्स को भी शेयर कर पाएंगे, इनके डेली वीकली मंथली रिपोर्ट्स को भी जो है आप एक्सेस कर पाएंगे। ये सब सारे जो है कुछ नए नए फंक्शन ऐड हुए हैं। इसके अलावा आप आउट ऑफ ऑल जो भी आपके कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, सैनिटरी वाटर ड्रिंकिंग रिमाइंडर, इवन जो है आप अपने अलार्म्स एक्सेट्रा जो है प्रॉपरली जो है दोनों के दोनों में जो सेम है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शार्प की तरफ जाए, कॉज जो न्यूली अपडेटेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको फंक्शंस में भी कुछ अपग्रेडेशंस देखने को मिलेंगी। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी ऑब्वियसली यहाँ पे हाई रेजोल्यूशंस जो इंक्रीज की गई है, शार्पनेस में जो है इसमें वर्क किया गया है, सो काफी अच्छा खासा आउटडोर में जो है आपको कंप्लीट यहाँ पे जो विजिबिलिटी में जो एक्सपीरियंस है वो आपको तगड़ी अच्छी खासी मिलने वालेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल डीजो वॉच डी में। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कॉम्परेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वॉच की ऑलरेडी हमारी वीडियो आने वाली है, आफ्टर सेल लॉन्चिंग की जो भी इसकी वीडियो रहेंगी कम्प्लीटली रिव्यू हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, उनके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ।